वेलकम वेलकम बैक बैक वंस वंस अगेन। अगेन। मैं आपको मैं आपको बताना बताना चाहता चाह हूँ रहा कि इसके हूँ पहले कि मैंने पहले मैंने आपको आपको बताया कि बताया कि मैं मैं पोस्टर पोस्टर की की सीरीज सीरीज बना बना रहा रहा हूँ, हूँ, ठीक है, ठीक है, पोस्टर की पोस्टर की सीरीज। सीरीज। उसमें मैंने उसमें क्या मैंने क्या 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 बताया बताया आपको? आपको? आपको मैंने आपने बताया बताया बॉर्डर बॉर्डर बना बना के के दिखाया दिखाया और और कैलीग्राफी कैलीग्राफी फ्रेम फ्रेम बना बना के के दिखाया, दिखाया, बॉक्स बना बॉक्स के बना दिखाया। के तो दिखाया। सब तो कैसे सब कैसे आप आप बनाते हैं, बनाते प्लूरल हैं में प्लूरल कैसे में कैसे उसको उसको डिजाइन डिजाइन करते करते हैं, हैं, कैसे कैसे बनाते बनाते हैं, हैं, ये ये सारी सारी चीजें चीजें मैं मैं आपको आपको दिखाया। दिखाया। अब अब उसी उसी सीरीज सीरीज को को आगे आगे बढ़ाते बढ़ाते हुए हुए मैं मैं आपको आपको ये ये बताता बताता हूँ हूँ कि कि उसमें उसमें कलर कलर कैसे कैसे करेंगे। करेंगे। सबसे सबसे अहम अहम मसला मसला फंसता फंसता है है कलर कलर का, का, ठीक ठीक है, है, कलर कलर उसमें उसमें कैसे कैसे करेंगे। करेंगे। अगर अगर कलर कलर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन आपका आपका अच्छा अच्छा रहा रहा तो तो पोस्टर पोस्टर आपका आपका बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत हुआ, हुआ, कलर कलर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन अच्छा अच्छा नहीं नहीं रहा रहा तो तो समझ समझ लीजिए लीजिए कि कि सारा सारा बेकार बेकार है। है। और और इसके इसके पहले पहले मैं मैं आपको आपको बता बता दूं, दूं, अगर अगर आप आप मेरे मेरे चैनल चैनल पर पर नए नए हैं हैं तो तो मेरा मेरा चैनल चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना करना बिल्कुल बिल्कुल ना ना भूलें, भूलें, अभी अभी तुरंत तुरंत कर कर ले ले सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। और और मैं मैं आपको आपको ये ये भी भी बता बता रहा रहा हूँ हूँ कि कि ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास क्लास शुरू शुरू है, है, पहली पहली नवंबर नवंबर से से कोरल कोरल की की क्लासें क्लासें चल चल रही रही हैं, हैं, बहुत बहुत सारे सारे लोग लोग जुड़ जुड़ चुके चुके हैं हैं इस इस तरीके तरीके की की डिजाइनिंग डिजाइनिंग करने करने के के लिए, लिए, पोस्टर पोस्टर की की डिजाइनिंग डिजाइनिंग सीखने सीखने के के लिए, लिए, किताबें किताबें सीखने सीखने के के लिए, लिए, होर्डिंग होर्डिंग की की डिजाइन डिजाइन सीखने सीखने के के लिए, लिए, कैलेंडर कैलेंडर की की डिजाइन डिजाइन सीखने सीखने के के लिए, लिए, इन इन चीजों चीजों की की डिजाइन डिजाइन सीखने सीखने के के लिए लिए और और अच्छी अच्छी तरीके तरीके से, से, और और अपने अपने आप आप में में निखार निखार लाने लाने के के लिए लिए आप आप मेरे मेरे साथ साथ जरूर जरूर जुड़े। जुड़े। मेरे मेरे दिए दिए गए गए नंबर नंबर पे पे कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट करें, करें, फोन फोन करें, करें, व्हाट्सएप व्हाट्सएप करें, करें, मैसेज मैसेज करें, करें, और और मेरे मेरे साथ साथ आप आप जरूर जरूर जुड़े। जुड़े। आप आप अगर अगर देखेंगे देखेंगे ना, ना, यहाँ यहाँ देखेंगे, देखेंगे, जैसे जैसे मैंने मैंने ये ये एक एक शेप शेप बना बना रखा रखा था, था, ये ये मैंने मैंने पिछली पिछली वीडियो वीडियो में में बता बता दिया दिया था था ये ये शेप शेप कैसे कैसे बनेगा। बनेगा। इसको इसको करने करने के के लिए लिए मैं मैं एक एक कॉपी कॉपी ले ले लेता लेता हूँ, हूँ, यहाँ यहाँ पर पर कॉपी कॉपी लिया, लिया, कॉपी कॉपी लेने लेने के के लिए लिए मैं मैं बता बता चुका चुका हूँ, हूँ, इसको इसको ड्रैग ड्रैग करके करके राइट राइट क्लिक क्लिक कर कर देते देते हैं, हैं, कॉपी कॉपी हो हो जाता जाता है। है। अब अब इसको इसको हमें हमें क्या क्या करना करना है, है, इसको इसको डबल डबल बनाना बनाना है, है, डबल डबल मतलब मतलब कंटूर कंटूर टूल टूल ले ले लेना लेना है। है। कंटूर कंटूर टूल टूल लेने लेने के के बाद बाद इसको इसको ऐसे ऐसे डबल डबल कर कर लेना लेना है। है। डबल डबल क्या, क्या, इसको इसको आप आप ट्रिपल ट्रिपल कर कर लीजिए, लीजिए, एक एक हो हो गया गया ये ये हमारा, हमारा, ये ये वाला वाला पोर्शन पोर्शन हो हो गया, गया, अभी अभी एक एक ही ही रखिए, रखिए, ये ये वाला वाला पोर्शन पोर्शन हो हो गया, गया, इसको इसको थोड़ा थोड़ा सा सा बड़ा बड़ा कर कर लीजिए, लीजिए, बड़ा बड़ा कर कर लिए, लिए, ठीक है ठीक ना, है ये ना, दो ये हो दो गया, हो गया, एक ये एक ये पोर्शन हो पोर्शन गया, हो ये गया, व्हाइट ये वाला व्हाइट हो वाला गया, हो अब गया, ये अब ये ये हो हो गया, गया, ठीक ठीक है। है। कंट्रोल कंट्रोल के के कर कर दिया दिया मैंने, मैंने, इस इस पे पे ध्यान ध्यान रखना, रखना, कंट्रोल कंट्रोल यू यू कर कर दिया, दिया, कंट्रोल कंट्रोल के के और और कंट्रोल कंट्रोल यू, यू, ठीक ठीक है। है। कंट्रोल कंट्रोल के के किया, किया, कंट्रोल कंट्रोल यू यू किया, किया, ये ये बिल्कुल बिल्कुल अलाइदा अलाइदा हो हो गया, गया, इससे इससे सेपरेट सेपरेट हो हो गया। गया। अब हम क्या हम करते क्या हैं, करते हैं, इसमें इसमें सबसे सबसे बैक बैक में में जो जो है है उसमें उसमें येलो येलो कलर कलर डाल डाल दिया, दिया, येलो येलो कलर कलर ऐसे ऐसे नॉर्मल नॉर्मल से से मत मत डालिए, डालिए, एक एक बार बार इसे इसे डाल डाल दीजिए, दीजिए, फिर फिर उसके उसके बाद बाद में में हम हम करते करते हैं हैं जी जी प्रेस प्रेस करते करते हैं, हैं, जी जी प्रेस प्रेस करके करके इसको इसको हमने हमने इसे इसे ड्रैग ड्रैग कर कर लिया। लिया। और और यहाँ यहाँ पे पे ना ना थोड़ा थोड़ा सा सा कलर कलर चेंज चेंज करिए, करिए, यहाँ यहाँ लाएंगे लाएंगे स्लाइडर, स्लाइडर, देख देख लीजिए लीजिए ये ये किस किस तरीके तरीके से से आ आ गया। गया। इसको इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर कीजिए, कीजिए, पूरा पूरा लुक लुक इसमें इसमें और और चेंज चेंज कर कर दीजिए, दीजिए, ठीक ठीक है। है। इसको इसको भी भी यहाँ यहाँ से से आप आप सॉलिड सॉलिड कलर कलर ना ना करके करके आप आप यहाँ यहाँ से से चेंज चेंज कर कर सकते सकते हैं, हैं, यहाँ यहाँ देखेंगे देखेंगे ये ये चेंज चेंज हो हो गया। गया। अब अब यहाँ यहाँ भी भी चाहें चाहें तो तो यहाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा सा सा लाइट लाइट कलर कलर दे दे देंगे, देंगे, लाइट लाइट कलर कलर देने देने के के लिए लिए यहाँ यहाँ गए गए ऐसे ऐसे हो हो गया, गया, या या यहाँ यहाँ पे पे थोड़ा थोड़ा सा सा और और डार्क डार्क कर कर लीजिए, लीजिए, तो तो कुछ कुछ इस इस तरीके तरीके से से आपका आपका कलर कलर बन बन गया, गया, ठीक ठीक है। है। ये ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड का का कलर कलर है। है। अब अब मैं मैं दिखाता दिखाता हूँ हूँ आपको, आपको, अब अब ये ये वाला वाला व्हाइट व्हाइट है, है, अब अब चाहे चाहे इसको इसको आप आप व्हाइट व्हाइट ही ही रखें रखें या या इसमें इसमें कोई कोई डिफरेंट डिफरेंट कलर कलर कर कर दें। दें। मैं मैं क्या क्या करता करता हूँ, हूँ, इसमें इसमें व्हाइट व्हाइट करके करके यही यही सेम सेम कलर कलर कॉपी कॉपी करके करके इसमें इसमें डाल डाल देता देता हूँ, हूँ, ये ये वाला वाला आई आई ड्रॉपर ड्रॉपर टूल टूल लिया, लिया, लेकिन लेकिन ये ये ध्यान ध्यान रखना रखना एट्रीव्यू एट्रीव्यू आई आई ड्रॉपर ड्रॉपर ये ये लेना लेना है, है, ये ये जरूरी जरूरी है। है। आप आप ये ये वाला वाला ले ले लेंगे लेंगे तो तो ये ये जो जो इसमें इसमें ग्रेडियंट ग्रेडियंट कलर कलर दे दे रखा रखा है, है, ये ये ग्रेडियंट ग्रेडियंट इफेक्ट इफेक्ट नहीं नहीं आएगा, आएगा, ये ये ध्यान ध्यान रखना। रखना। हमने हमने यहाँ यहाँ से से कॉपी कॉपी किया किया था था और और यहाँ यहाँ पे पे मैं मैं क्या क्या करता करता हूँ, हूँ, इस इस पे पे लाके लाके कलर कलर कर कर दिया, दिया, लेकिन लेकिन कोई कोई फर्क 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 नहीं नहीं पड़ता पड़ता
नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा कि नहीं, कैसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम एंगल में कलर लिया गया, इसलिए नहीं फर्क पड़ा है। यहाँ पे इसको जी प्रेस करेंगे, फिर इसको ऐसे घुमा देंगे, ये कुछ इस तरीके से। अभी भी कोई खास आपको फर्क नहीं नजर आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर में फर्क नजर आएगा। इसको क्या करना है, इसको फिर हमने किया यहाँ पे F11 पे, डायरेक्ट F11 किया, यहाँ पर भी, यहाँ पे जाने का, चाहे आप यहाँ जाए या जी प्रेस करके वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी देख लीजिए। चलिए जी प्रेस करके ये इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे, ये भी हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ जाने के बाद इस स्लाइडर को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ रखने के बाद थोड़ा सा और नीचे ला करके थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कलर, कुछ इस तरीके का कलर यहाँ लाके कुछ इस तरीके का कलर देंगे। और हम यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद फिर इसको यहाँ लेके आएंगे, यहाँ लाने के बाद थोड़ा सा ऐसे मिलता जुलता कलर यूं दे दीजिए, आप ऐसे भी दे सकते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ भी थोड़ा लेके आएंगे, इससे रिलेटेड कलर आ जाएगा, ये आप देख रहे हैं ना, इससे मिलता जुलता कलर आ गया, यानी सियान इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा मिक्स है। यहाँ पे हमने कर दिया, और थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, या तकरीबन ये ठीक लग रहा है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये ज्यादा डार्क हो गया है, तो इसको थोड़ा सा मैजेंटा, सियान की तरफ लेके आएंगे। सियान की तरफ लाने के बाद थोड़ा कम इसको कर दीजिए,
ठीक है, कुछ इस तरीके से कर लिया, मिलता जुलता हो गया। अब क्या करना है, इसको हमें कॉपी करके यहाँ लेके आना है, इसका कलर जो है हटा देना है यहाँ से, यहाँ पे ये क्रॉस निशान पे क्लिक करेंगे तो कलर हट गया बिल्कुल, ये बैकग्राउंड खाली हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ जाकर के ये लिखा ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो पे जाने के बाद या स्मॉल ग्लो, स्मॉल ग्लो पे गए, यहाँ इसका कलर चेंज कर लिया हमने 100 कर लिया, और यहाँ पे हमने कर लिया इसको 10, और यहाँ पे जाएंगे सेकेंड ऑप्शन पे मिडिल कर लिया, मिडिल करने के बाद अभी हमारा तैयार हो गया, हमने कर दिया कंट्रोल के, ठीक है। कंट्रोल के करने से क्या हो गया, ये दोनों सेपरेट हो गया। अब इसमें हम चाहे कोई भी कलर कर सकते हैं, इसका भी इतना ज्यादा यूज है, इफेक्ट देने के लिए इतना ज्यादा यूज है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। इसको अभी फिलहाल ब्लैक ही रखता हूं मैं, ब्लैक रखने के बाद इसको हम यहाँ लिख लिया, यहाँ इसको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ इसको प्रेस किया, ऐसे ई किया और सी किया, सी और ई करने के बाद यहाँ गए, इसको ब्लैक में लिख लिया, सॉरी इसको ऊपर वाले को बैक में, बैक में ले जाने के लिए शिफ्ट पेज डाउन किया मैंने। अब उसको क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट में जाकर के पावर क्लिक बनाना है, इसके अंदर चलेंगे, देखिए थोड़ा सा इसमें शैडो आ रहा है ना, शैडो साइड, अब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, शैडो आ गया। अब इसमें आप देखेंगे इसका कलर जो है इसे हटा दिया, देखिए क्या जबरदस्त बन गया ये, आपको अब दिख रहा होगा इसमें क्या डिफरेंस है। आप इसको चाहें तो बिल्कुल यहाँ से वाइट भी दे दें, तब भी ये भी लाजवाब लग रहा है, इसी की तरह लग रहा है, देख लिए ना, बिल्कुल सेम मिलता जुलता उसे बन गया। और यहाँ से कोई भी कलर पिक करके इसमें नहीं डाला, आप देखेंगे पिक करके इसमें से कलर जरा सा नहीं डाला, लेकिन वैसे बन गया। चलिए आगे देखते हैं, अब इसको लेते हैं, इसको लेने के लिए यहाँ पे कॉपी करते हैं, कॉपी किया, अब वही फिर यही जाएंगे कंट्रोल, कंट्रोल पे जाकर के यहाँ से ऐसे लेके आएंगे यहाँ। एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है, और उसमें मैं बता रहा हूँ कोरल के बारे में बहुत डिटेल्स बता रहा हूँ, और साथ साथ में मैं पोस्टर की डिजाइनिंग भी उसमें बताऊंगा, सिखाऊंगा सारी चीजें, सारी बारीकियां बताऊंगा। इससे क्या होता है कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें सारी बातें नहीं बता पाता, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी होती जाती है। अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे, क्लास में ये फायदा रहेगा, कोई भी क्वेरी रहेगी, आपके कोई सवाल होंगे, वो तुरंत तुरंत उसको मैं बता दूंगा, हाथों हाथ में उसको बता दूंगा, उसको मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा, कोई भी क्वेरी रहेगी आपकी उसको मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप मेरे साथ जरूर जुड़े, आप मेरे साथ आए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। और यहाँ हमने कर दिया एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा इसको जो है ना वन कर दिया, वन करने के बाद थोड़ा सा इसको स्लाइटली और बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया भाई, बड़ा करने के बाद कंट्रोल के कर दिया साहब, कंट्रोल के कर दिया। अब यहाँ देखें तो क्या हमने किया था, एक यहाँ से एक कॉपी और बना लिया था, एक बहुत मजेदार इफेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आप नए होंगे तो आपको नहीं मालूम होगा। अब फिर इसको हम चलते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ पे लेके आए, लेकिन थोड़ा सा इसमें कम कर देते हैं, इतना कर दिया यहाँ पर, इसको हमने कंट्रोल के कर दिया, ठीक है। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसकी पीटी हम बढ़ा देते हैं, 3 कर दिया या 2 कर दिया, ये आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग, मतलब इस साइज के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर कौन सा कलर कर दिया साहब, यहाँ पर वही गोल्डन कलर कर दिया। गोल्डन कलर करने के लिए फिर से मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ लेके आएंगे इसे और यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद फिर ऐसे कर दिया, वहां पर हमने गोल्डन कलर एक बार डाल रखा था, इसलिए उसकी कॉपी ले लेता है अपने आप, फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक खूबी ये भी होती है इसे, चलिए बहरहाल आप ऐसे भी रखें या इसको सॉलिड ही रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करें, अब चलिए इसका हम कलर देते हैं पर्पल कलर, ठीक है, मैं इसका पर्पल कलर दूंगा। पर्पल कलर देने के लिए हमने क्या किया साहब, यहाँ से ऐसे किया, यहाँ लेके आए, यहाँ लाने के बाद हम यहाँ पे गए, और यहाँ ना करके आप यहाँ से भी दे सकते हैं, आप यहाँ से पर्पल कलर आई थिंक ये रहा, आप यहाँ से दे दीजिए, फिर वही सेम कलर इसमें भी डाल दीजिए, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर दिया, यहाँ चलिए यहाँ डार्क कर दीजिए, हो गया भैया, देखिए शैडो कितना लाजवाब, कितना प्यारा शैडो बन गया। और यहाँ पे भी चाहे स्लाइटली यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क कर लीजिए। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको साहब, ये जो हमने आउटलाइन बनाया था जिसकी पीटी हमने 2 पीटी किया था, मतलब इसकी थिकनेस 2 पीटी किया था, उसको हम क्या करते हैं, एक नया कमांड आपके लिए हो सकता है, कंट्रोल शिफ्ट क्यू किया,
कंट्रोल शिफ्ट क्यू करने से क्या हुआ, ये आउटलाइन हट गई, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर बन गया तो अब यही कलर हम क्या करते हैं, इसी कलर को उठा करके इसमें डाल देते हैं। इसमें डालने के लिए क्या करेंगे, चाहे आप इसको सिलेक्ट रखते हुए, मैं बताया था यहाँ से ये फाउंटेन लिखा है, इसको लेकर के इस वाले में ऐसे डालेंगे, लेकिन ये तो गायब हो गया, अब क्या करेंगे, ये तो गायब हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर वही जी प्रेस करेंगे और यहाँ देखिए, देखिए रिवर्स फिल, देख लीजिए भाई ये बन के तैयार हो गया। और इसमें जो है आउटलाइन जो है उसको हटा दीजिए, देखिए कितना खूबसूरत बन गया ये। अगर और इसमें मजेदारी लाना चाहते हैं, और मजेदारी इसको लगाना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे कीजिए और मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल के करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल के करने के बाद इस बाहर वाले वाले इसे डिलीट कर दिया और इसमें हम आउटलाइन दे देते हैं, इसका कलर हम हटा देते हैं। फिर वही चलते हैं जैसे मैंने पहले ऑप्शन में बताया था, यहाँ चल के स्मॉल ग्लो पे जाएंगे, यहाँ ब्लैक कर देंगे, यहाँ पे मिडिल कर दिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा टेन कर दिया या कम कर दिया, यहाँ से भी थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं अपने इस बैकग्राउंड के कलर के अकॉर्डिंग। यहाँ मैंने कर दिया के, कंट्रोल के, अब इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद अब इसको यहाँ लेके आते हैं, यहाँ से बाद में कलर हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है साहब। और यहाँ से भी ऐसे ये वाला कलर डाल सकते हैं, या ये डाल सकते हैं, या इसी से रिलेटेड कोई डार्क कलर डाल सकते हैं। मैंने क्या किया, शिफ्ट F11 किया, यहाँ पे आ गए, इस तरीके से डाल सकते हैं, लेकिन ये ब्लैक ही ज्यादा अच्छा लगा है। आप जो है यहाँ चलेंगे, इसको प्रेस कीजिए, मतलब सेलेक्ट कीजिए पी और सी कर दिया मैंने, करने के बाद इसको बैक में सेंड करेंगे, बैक में सेंड किया, फिर चलेंगे ऑब्जेक्ट में, यहाँ पावर क्लिप जा करके ऐसे कर लेंगे, देखिए अब और मजेदारी आ गई इसमें, कितना प्यारा लग रहा है। और इसको कहीं भी रखेंगे, इसमें कोई नाम लिखेंगे, बड़ा खूबसूरत लगेगा, जबरदस्त। अब ये क्या है, ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे बना हुआ है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए इसमें भी आउटलाइन हमने दे रखा है, डिफरेंट टाइप की आउटलाइन, और इसमें भी एक सर्कल बना रखा है। सर्कल बनाने के लिए आप अलग से सर्कल बना लीजिए और इसके अंदर ऐसे डाल दीजिए, अगर ये सर्कल ज्यादा बड़ा हो तो हल्का सा स्लाइटली इसे छोटा कीजिए और छोटा कीजिए, और इसके अंदर जो है ऐसे सी ई करके बिल्कुल इसको सेंटर में ले लीजिए। सेंटर लेने के बाद एक इसमें से ही ऐसे किया, क्या किया, कंट्रोल टू लेकर के वही सेम प्रोसेस था, इसमें हल्का सा ऐसे कर दिया, ठीक है। चाहे इसको आप बढ़ा सकते हैं हल्का सा या ना भी बढ़ाए, यहाँ 31 दिखा रहा है, या 35 कर देते हैं, ठीक है, और कंट्रोल के कर दिया। और इसकी भी एक कॉपी ले लेता हूँ, ऐसे कॉपी ले लिया ये यहाँ पर, आई थिंक हाँ यहाँ पर ले लिया कॉपी। अब क्या करता हूँ, चाहे आप पर्पल कलर ले लीजिए या ब्लू कलर ले लीजिए, कोई भी कलर एक लेकर के ऐसे यहाँ लेकर के आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ गया ये वाला कलर ले लीजिए, चलिए ये भी कलर अच्छा है, यहाँ पे चले इसको ब्लू पे चल करके ब्लू शेड पे इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, तो थोड़ा ब्लूइश बन गया इस कलर में ना बना करके मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये भी आप तरीका सीख लीजिए। अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी कॉपी लेकर के यहाँ पे डाल देते हैं साहब, यहाँ पे डाल दिया और इसको जी प्रेस करके फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कलर को इन्वर्स कर देता हूँ। अगर आपको लगे यहाँ पे यार थोड़ा ज्यादा डार्क हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो मजा लाने के लिए फिर यहाँ पे चलेंगे, इस पे क्लिक करके इस पे थोड़ा सा कलर और आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करने के लिए इसमें मैं क्या करता हूँ, तो स्यान कर देता हूँ, ठीक है, स्यान एकदम प्योर स्यान ना करके मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट F11 कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में स्यान पे चल करके यहाँ स्यान पे थोड़ा सा इस तरीके का कलर दे देता हूँ। और सॉरी सॉरी इसमें फिल हो गया यार, मुझे इसमें करना चाहिए था, यहाँ पे गए स्यान थोड़ा सा और इसको डार्क कर लिया, स्यान 100% नहीं रहे, अब इसको डार्क कर दिया, ठीक है। डार्क करने के बाद अब यही कलर जो है इसमें दोबारा फिल कर सकते हैं, ये वाला अंदर वाला कलर, ये बाहर वाला कलर इसमें फिल कर सकते हैं, इसमें फिल कर दिया गया, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। और ये भी हमें करना है, इसको जी प्रेस करके इसमें भी वही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, यहाँ पे गए, अब यहाँ पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से कर दिया, थोड़ा सा डार्क कर दिया, ठीक है, मिलता जुलता ये उससे कलर हो गया।
अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना जबरदस्त लग रहा है। ये ज्यादा डार्क हो गया है इसलिए कुछ ऐसा लग रहा है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे यहाँ बताया मैंने कि इसके शैडो लेकर के इसके अंदर लगा देते हैं, ऐसे ही इसमें शैडो लगा सकते हैं अगर चाहें, या आप इसे सेम बना सकते हैं। यही जो कलर है ये सेम बना सकते हैं, या कोई इससे हटके कोई डिफरेंट कलर आप डाल सकते हैं इसमें, है ना। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए इस पे चलते हैं। इसको मैंने क्या किया, इस पे आप देखेंगे ध्यान से इसकी कितनी कॉपी बनी हुई है। इसकी कॉपी बनी हुई 1 2 3 4 कॉपी बनी हुई है, ठीक है साहब। 4 कॉपी बनाने के लिए हमने क्या किया था, थोड़ा सा एक कॉपी में अंदर में बना लेता हूँ। ये वाली जो व्हाइट पोर्शन है ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसको कंट्रोल के कर देता हूँ, फिर बाहर से चलता हूँ, बाहर वाले लेयर को लेकर के, फिर अब बाहर की तरफ ऐसे लेके आता हूँ, ऐसे बाहर की तरफ लेके आए, ठीक है साहब। फिर इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल के कर देंगे, फिर कंट्रोल के करने के बाद फिर एक कॉपी ले लेते हैं। ये कई तरीके के इफेक्ट एक ही वीडियो में दिखा रहा हूँ, कई तरीके के इफेक्ट सारी चीजें मैं एक ही साथ में दिखा रहा हूँ, चाहता तो मैं अलग अलग वीडियो बना देता। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर दिया। और फिर अगर चाहें तो एक लेयर और ले सकते हैं, ठीक है साहब, एक लेयर में और ले सकता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। और इसकी एक जो है कॉपी में रख लेता हूँ बाहर, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। और क्या करना है, इसमें जी प्रेस करके इसे ड्रैग करके ऐसे लेके आता हूँ मैं। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि ऑनलाइन क्लास शुरू है, अगर आपको ज्वाइन करना है, इस तरीके का डिजाइन सीखना है, आमने सामने फेस टू फेस बैठ करके सीखना है आपको, तो मेरी क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। 1 तारीख से क्लास स्टार्ट है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको स्यान कर देता हूँ, यहाँ पे स्यान यहाँ ला के डाल दिया। और यहाँ क्या किया, यहाँ पे साहब मैं मैजेंटा ला के डाल देता हूँ, मैजेंटा डाल दिया, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है भाई। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा ये येलोइश कलर डालेंगे, येलोइश डाल दिया, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ अजीब सा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, ये ज्यादा डार्क आ गया। इस डार्कनेस को हटाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें इसमें थोड़ा सा और इसको लाइट कीजिए, लाइट कर दिया साहब, इस वाले येलो को थोड़ा सा इसे लाइट कर दिया। अब इसको भी लाइट कर दीजिए साहब, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, इसको भी साहब थोड़ा सा लाइट कर दीजिए, तकरीबन ऐसे कर दिया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कैसे मैंने किया। और इस वाले में क्या किया था, आई थिंक इसमें व्हाइट कलर कर दिया, इस वाले में व्हाइट कलर कर दिया। और इसमें क्या करेंगे, यही सेम कलर डाल देता हूँ, सेम कलर डाल दिया। अब इसको जी प्रेस करके यहाँ पे डार्क करना है साहब, ये देखना है आपको, इसको डार्क करना है, यहाँ ला करके इसे डार्क करना है, कहने को मैजेंटा इसमें ज्यादा डालना है, मैजेंटा लुक कर दिया। और यहाँ पे किए थे क्या करता है, स्यान इसको 100% कर दूंगा, हाँ तकरीबन 100% है इसमें, ये इस तरीके से। और इसको जो है चाहे हटा दीजिए, कुछ इस तरीके से इसका लुक बन गया। और इसमें क्या करेंगे साहब, इसमें फिर वही करना है, इसको आपको इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो है ब्लूइश है और यहाँ पे डार्क, वही सेम करना है, इसमें थोड़ा सा डार्क लाइट करके इसमें हम डालते हैं। फिर इसमें कोई भी एक कलर ले लीजिए, ऐसे कर दिया हमने, या इसको स्यान कर दीजिए। स्यान करने के बाद इसको जी प्रेस करके फिर ऐसे लेके आइए। अब चाहे यहाँ पर मैजेंटा डाल दीजिए, लाइट मैजेंटा डाल दीजिए, लाइट मैजेंटा डाल दीजिए। अब इसका रूप क्या है, अब चाहे इसकी कॉपी करके आप इसमें डाल सकते हैं, इस वाले की कॉपी करके मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। ये भी देखिए कितना लाजवाब बन गया। और इसकी आउटलाइनिंग में हटाता हूँ, डन करता हूँ, तब और लुक इसका बढ़ जाएगा। और एक काम करना है, इस वाले को जो मैंने रखा था यहाँ पे जाकर ड्रॉप शैडो यहाँ पे चलेंगे, चलने के बाद फिर वही ऑप्शन यहाँ गए और यहाँ गए, इसको ट्रिम कर दिया और इसको कंट्रोल के कर दिया था। फिर अब इसको क्या करना है, इसको लेकर के इसको यहाँ सेलेक्ट करके इसको शिफ्ट प्रेस करके सी ई कर दिया मैंने, इसके अंदर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको इसके बैक में लेके गए, बैक में ले जाने के बाद यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने का ऐसे कर दिया। देखिए कितना प्यारा कितना खूबसूरत बनके ये तैयार हो गया इसकी कलरिंग। अगर यहाँ पर जो है एक काम और कर लीजिए और मजा आ जाएगा,
यहाँ इसको ब्लैक कर लीजिए, इसके आउटलाइनिंग हटा दिया, यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी टूल लेकर के यहाँ गए और इसको ऐसे कर दिया। देख लीजिए साहब कितना लाजवाब बन के तैयार हो गया। ऐसा लग रहा है कि अब ये ऐसा लग रहा है कि ये रखा हुआ है ना। समझ में आ गया होगा आपको, है ना, जबरदस्त लग रहा है, कितना प्यारा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक बात ये भी बता दूं कि ये कैसे बना हुआ है, ये भी आप देख लीजिए, लेकिन मैं सोचता हूँ इसको ना दिखाऊं आपको, और अगर आप इसको बना के दिखा सके कि इसमें किस तरीके से कैसे इफेक्ट दिया गया है, कैसे इफेक्ट लाया गया है, अगर आप इसको देख करके समझ सके तो आप मुझे बना करके मेरे टेलीग्राम पे मुझे जरूर दिखाइए कि आपने मुझे कितना कैच किया है, कितना समझा है इस वीडियो से, आपने कितना समझाया है। ठीक है ना, जैसे ये है, जैसे ये है, बिल्कुल उसी तकनीक पे ये भी बना हुआ है और उसी तकनीक पे ये भी बना हुआ है, और गोल्डन कलर करके आपको मैंने दिखाई दिया था कि कैसे गोल्डन कलर करेंगे, बिल्कुल उसी तकनीक से ये भी किया गया है। तो चलता हूँ, मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। ऑनलाइन क्लास से सीखना है तो ऑनलाइन क्लास लेकर के मेरे साथ आप जरूर जुड़िए। ठीक है ना, ओके, शुक्रिया।